أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء آية نمبر 88. मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप इस मजमून को थोड़ा सा मुताला कर लीजिएगा, खासतौर पर स्क्रीन शॉट मैंने इसलिए लेने को कहा था। इसमें अगर सारी बात अगर आपने पहले से पढ़ ली है तो इंशाल्लाह पढ़ लेने से पूरे इस सफ़े को समझना बहुत आसान हो जाएगा। खुलासे के तौर पर मैं बताता हूँ कि मुनाफिकों की चार किस्में अल्लाह तआला ने बयान कर दी। पहले वो लोग जो कि मुसलमान हो गए, नंबर एक मुसलमान हो गए, वापस मक्के चले गए, वहां के हो करा रहे और इस्लाम परस्ती शुरू कर। असल में बहुत से लोग, माशाल्लाह काम में चेक करता हूँ आप लोगों का, तो बहुत से लोग वो सारी तफसील लिख रहे होते हैं। खुलासतन लिखना चाहिए, छोटी छोटी बात लिखनी चाहिए ताकि कल आपको, जब कल को आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो। ये नहीं कि आप अलग से तफसीर बना लें, तफसीर बहुत सी है, मैं तफसीर नहीं बनानी बस हमने तो, ठीक है जी। दूसरे मुसलमान हो गए ऊपर में चले गए, मगर उन उस दारुल कुफर के साथ, उस दारुल कुफर में जिससे हमारा काम आएगा, ठीक है। दारुल कुफर में चले गए मगर मुकाबला जंग करना चाहते, इससे बाज रहते मुसलमानों। ये तीसरे किस्म के लोग। चौथे किस्म के लोग जाहिर ये करते हो दारुल कुफर में चले गए, काफिर हो गए, दारुल कुफर में चले गए, काफिर हो गए, मुसलमानों से कहते हो कि हम बेजार हैं, हम जंग नहीं चाहते, चुपके चुपके से करते। इन चार के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात के अंदर बयान फरमाया। इन चार के अंदर नंबर एक यहां पर है, नंबर एक का जिक्र यहां तक है, नंबर दो का जिक्र यहाँ से है, नंबर तीन का जिक्र यहाँ से है यानी यहाँ इस आयत से, और नंबर चार का जिक्र यहाँ से, ठीक है जी। अब इनका हुक्म समझ लीजिए, इनका हुक्म क्या है आप समझें जरा। मुसलमानों के आपस में इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफ हो गया कि अब इनके साथ क्या किया जाए, ठीक है। तो जो पहले नंबर वाले हैं इनके साथ कताल किया जाए, दूसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर वाले छोड़ दें, चौथे नंबर वाले कताल किया जाए। तो इन लोगों के लिए यही अहकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाए। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
ये सारी बात यहाँ पर हो गई, ठीक है जी। ये हो गया, ये इनका हुक्म हो गया, ये इनका हुक्म हो गया, और ये इनका हुक्म हो गया। ये सारा इस सफ़े का खुलासा है, ये सारा सफ़े का मजमून है। मेरा बात समझ में आ गई होगी। चुनाचे मुसलमानों से कहा कि भाई मुसलमान असल में ये लोग जो वापस चले गए थे, मक्के वापस चले गए थे, तो मुसलमान कह रहे थे भी हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, हो सकते ये काफिर ना हुए हों, वहाँ किसी मजबूरी से रहते हों, लिहाजा हमें हमें इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें इनके इनसे खिताल नहीं करना चाहिए। दूसरे मुसलमान कहते थे नहीं, हमें इनसे खिताल करना चाहिए। अब आए फमा लकुम, अरे मुसलमानों तुम्हें क्या हुआ, फिल मुनाफिकीन फमा लकुम तुम्हें क्या हुआ, फमा लकुम तुम्हें क्या हुआ कि तुम दो गिरोह बन चुके हो। फमा लकुम तुमको क्या हुआ, तुम दो गिरोह फी अतैनी कि तुम दो गिरोह बन चुके हो, फिल मुनाफिकीन मुनाफिकीन के बारे में ये तुम्हारा आपस में इत्तेफाक नहीं रहा, तुम आपस में वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, अल्लाह ताला ने उनको अंधा कर दिया है उनके अपने करतूतों की वजह से, अल्लाह ताला ने उनको औंधा कर दिया है। बिमा कसबू अपने कामों की वजह से, जैसे उन्होंने काम किए हैं अल्लाह ने उनको औंधा कर दिया, अल्लाह ने उनको कुफर की तरफ लौटा दिया है। और मुसलमानों के वो गिरोह जो ये कह रहा था, देखिए ये बातें नोट करने की होती हैं जो आयत को जोड़ने के लिए होती हैं, मुसलमानों के वो गिरोह जो ये कह रहा था कि नहीं वो लोग हिदायत पर हैं, तो अतुरीदूना, ए मुसलमानों के वो गिरोह, क्या तुम लोग ये चाहते थे, तुम ये चाहते थे कि अंतह तदू मन अज़ल्लल्लाह, कि तुम हिदायत पर लाओ ऐसे शख्स को, मन अज़ल्लल्लाह जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। हालांकि बात यह है कि मन युज़िलिल्लाह जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहु सबीला, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाएगा, फलन तजिद तुम नहीं पा सकते, लहू सबीला उसके लिए कोई भी भलाई का रास्ता तुम नहीं पा सकते, ठीक है जी। तो ये देखें जी कितनी साफ और वाज़े बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दी, और इसमें इबरत है हमारे लिए कि जिसको अल्लाह की ज़ात गुमराह कर दे फिर वो शख्स हिदायत पर नहीं आ सकता, ठीक है। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह जी हम डर गए, आप हमें हिदायत दीजिए, आप हमें गुमराह होने से बचाइए। चुनाची ये जो कुफार वापस चले, मुनाफिक वापस चले गए, वद्दू वो लोग ये चाहते हैं, लो तक फुरू न कमा कफरू, के काश के तुम भी काफिर हो जाओ, कमा कफरू जैसे कि वो लोग काफिर हो गए। वद्दू वो लोग ये चाहते हैं, लो तक फुरू कि तुम भी काफिर हो जाओ, कमा कफरू जैसे उन्होंने कुफर को अपना लिया, कि तुम भी कुफर को अपना लो, कमा कफरू जैसे वो लोग काफिर हो चुके, फतकूनूना ताकि तुम और वो सवाउन बराबर हो जाओ, फतकूनून ताकि तुम दोनों सवाउन सवाअन बराबर हो जाओ। चुनाची उनसे बचना चाहते हो, बचने का तरीका क्या है, फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया, फला बचना चाहते हो, देखें ये ऐसी बातें आप ब्रैकेट में लिखिए, बचना चाहते हो तो बचने का तरीका ये कि फला तत्तखिदू, तो मत बनाओ मिनहुम उनमें से किसी को औलिया दोस्त, हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर ले। नाचे वहां पर ईमान की निशानी थी उस वक्त कि कोई मुसलमान हिजरत करता था तो ये उसके ईमान की निशानी होती थी, अगर कोई मुसलमान हिजरत नहीं करता था तो ये निशानी थी कि ये मुसलमान नहीं है, ठीक है जी, निशानी होती थी कि मुसलमान। फ इन तवल्लौ फखुदूहु,
इन तवल्लो, अगर वो कहाँ गया भाई, फाइन तवल्लो, अगर वो एराज करें हिजरत से, फ़कुजूहुम, तो उनको पकड़ो, वक्तुलूम, उनको कत्ल करो। लिहाजा मुसलमानों को जो पहला गिरोह था उसकी बात से, हैसु वजद तुम, जैसे तुम जहां उनको पाओ वहां कत्ल करो, वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिया, उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ, वला नसीरा, और उनमें से किसी को मददगार न बनाओ। देखिए जी, ये मक्के की वादी है और ये मदीने की वादी है, ये मदीने की वादी है। जब हिजरत फर्ज हो गई तो मुसलमान सारे के सारे मदीना आ गए, तो मक्के में कुछ मुसलमान रह गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम किया था कि इन मुसलमानों के ईमान के लिए जरूरी है कि वो हिजरत करके मदीने आए। ठीक है जी, मैं अभी तक सिजरेन में था कि आप लोगों के बैकग्राउंड पता होगा, मुझे याद ही नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं। तो मुसलमानों के जिम्मे लाजिम था कि वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, मक्का को छोड़ दें। चुनाचे कुछ लोग आए और कुछ लोग वहीं पर रह गए। जो लोग वहीं पर रह गए उनके ईमान के बारे में ऐसा मामला हो गया, और जो लोग हिजरत करके आए तो उनमें से कुछ वापस चले गए। जब वापस चले गए तो उनके बारे में भी कुफर का फैसला हो गया कि ये लोग मुसलमान नहीं है, ये काफिर है। चुनाचे अगर ये जो मुसलमान यहाँ बचे, अगर ये हिजरत से एराज करें, तो फिर उनके साथ ये मामला है। फाइन फाइन तवल्लो, अगर वो लोग एराज करें हिजरत से, फकुजूम, तो उनको पकड़ो, वक्तुलूहुम, उनको कत्ल करो, हैसु वजद तुमूम, जैसे भी पाओ उनको, उनको छोड़ना नहीं, उनसे तुम्हारा कोई मुआयदा नहीं। ठीक है जी, ये एक किस्म के लोग हो गए, एक किस्म के मुनाफिक हो गए। दूसरे, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, दूसरा मैंने जिक्र किया था, वो लोग जिनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान, दाल कुफर में तो चले गए लेकिन तुम्हारे और उनके दरमियान एक अमन का मुआयदा है, जैसे हमारा और हमारे दरमियान और चीन के दरमियान अमन का मुआयदा है, हमारे दरमियान और दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान एक अमन का मुआयदा है, कॉमन इंटेक्ट इसे कहते हैं, कि एक अमन का मुआहिदा है कि कोई किसी दूसरे के मुल्क में वीजा लिए बगैर, पासपोर्ट लिए बगैर नहीं जा सकता। अगर वो चला जाता है तो ये अमन का मुआहिदा होता है, अमन का मुआहिदा है, लिहाजा अमन का मुआहिदा है, लिहाजा अब तुम उनको कत्ल नहीं कर सकते। तो कितना खूबसूरत दीन है कि दुश्मन के हुकूक भी सिखाए। आगे, इल्लल्लज़ीना यसिलून, हाँ, सिवाय उन मुनाफिकीन के जो कि यसिलून इला कौम, जो ऐसी कौम से मिल गए, बैनकुम व बैनहुम, कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मीसाक, एक मुआहिदा है। मीसाक उस मुआहिदे को कहते हैं जो कौमों के दरमियान होता है। ठीक है, औ जाऊकुम हसरत सुदूरहुम, या वो तुम्हारे पास आए हैं, हसरत सुदूरहुम, लेकिन उनके दिल बेजार हैं। हसरत का मतलब है बेजार, सुदूर हूं, उनके दिल बेजार हैं, युकातिलुकुम, वो तुमसे कताल करें, और युकातिलु कौमहुम, या उनकी कौम तुम्हारी कौम से कताल करें। नहीं, और युकातिलु कौमहुम, या वो अपनी कौम के खिलाफ, और युकातिलुकुम, या वो तुमसे किताल करने से बेजार हैं। दोबारा समझे, औ जाऊकुम, वो तुम्हारे पास आए, हसरत सुदूहुम, उनके दिल बेजार हैं इस बात से, कहीं युकातिलुकुम, कि वो तुमसे किताल करें, या औ युकातिलु, या वो तुम्हारी, और युकातिलु कौमहुम, या वो अपनी कौम से किताल करें, यानी वो किताल से ही बेजार, लिहाजा अब उनसे मुकाबला ना करो, जो पहले ये हथियार फेंक के बैठा हो, लिहाजा उसके साथ कोई मामला ना करो। वलो शा अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलूकुम, वलो शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह चाहता, लसल्लतहुम अलैकुम, तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, फलकातलूकुम, तो फिर वो तुमसे जरूर किताल करते, लेकिन अब वो पहली हथियार फेंक के बैठे हुए, लिहाजा अब उनको ना मारो, दुश्मन के हुकूक सिख है। फमा जाअलल्लाहु लकुम अलैहिम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ताला ने तुमको
फमा जालल्लाहु लकुम, तो अल्लाह ताला ने तुमको नहीं दिया लकुम उनके ऊपर सबीला कोई रास्ता, यानी कोई अल्लाह ने हक नहीं दिया। अब जब वो तुमसे जंग नहीं करना चाहते, लिहाजा तुम भी अब उनसे जंग ना करो, अब तुम उनसे बाज रहो, कोई करने की जरूरत, जंग करने की जरूरत नहीं। अब चौथे किस्म के मुनाफिक देखें जी, यहाँ पर जिक्र हो गया, ये बात होगी, ये बात होगी, ये बात होगी। अब चौथे दाम कुफर में चले गए, कहते हैं हम बेजार है लेकिन मुसलमानों, लेकिन कुफार से कहते नहीं जी। ओहो सतजिदूना, अनकरीब तुम पाओगे, आखरी ना कुछ दूसरे लोग, युरीद होना वो चाहते हैं यमनू को, युरीद होना वो चाहते हैं यमनू को के वो यमनू को के वो तुमसे महफूज रहें, वयमनू कौमहुम और अपनी कौम से भी महफूज रहें, यानी तुमसे भी महफूज रहे अपनी कौम से भी, यानी तुम्हारे साथ भी जिहाद नहीं कर सकते, अपनी कौम के साथ भी मिलकर जिहाद नहीं कर सकते। तो कुल लामा रुद्दु इलल फितना, हमें जब कभी कुल लामा, कुल लामा का मतलब है जब कभी, रुद्दु इलल फितना, रुद्दु इलल फितना, उनको फितने की तरफ वापस बुलाया जाए, झगड़े की तरफ, लड़ाई की तरफ, फसाद डालने की तरफ वापस बुलाया, कुफर की तरफ, तो उर्कुसु उर्किसु फीहा, तो उसमें औंधे मुंह जा गिरते हैं, ठीक है, उसमें औंधे मुंह जा गिरते हैं, यानी यानी उस गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। फइन लम यअतज़िलूकुम वयुल्कू इलैकुम, फइन लम यअतज़िलूकुम, अगर ये लोग लम यअतज़िलूकुम, ये जंग से अलहदगी इख्तियार नहीं करते, और वयुल्कू इलैकुम अस्सलामा, और ना तुम्हें, और यूलकू ना तुम्हें पेशकश करें, ना पेशकश करें इलैकुम तुम्हें अस्सलामा अमन की, वयकुफू अईदियहुम, वयकुफू अईदियहुम, और ना ही अपने हाथों को रोकें, ठीक है। वलम यअतज़िलूकुम, ना वो आपसे अलहदगी क्या कर रहे हैं मुकाबले के अंदर, वयुल्की इलैकुम सलामा, और ना वो आपको, देखें लम एक यहां पर है, दूसरी यहां पर भी लम मौजूद है, तीसरा भी यहां पर लम मौजूद है, ठीक है। अगर वो तीन बातें, नंबर एक, अगर वो तुमसे अलहदगी इख्तियार नहीं करते कि हमने तुमसे जंग नहीं करनी, ठीक है, नंबर दो, वयुल्कू इलैकुम सलामा, तुम्हें अमन की पेशकश भी नहीं कर रहे, वयकुफू अईदियकुम, वलम यकुफू मतलब ये कि तुमसे हाथ भी नहीं रोकते, और बचना भी चाहते हैं, चाहते हैं कि हम बच भी जाएं, हमारी कौम भी बच जाए, यानी मुनाफिक हैं, जहां मौका मिलता है, जिस जगह मौका मिलता है मुंह डाल देते हैं। तो फखुदूहुम, तो उनको पकड़ो, वक्तलूहुम, और उनको कतल, हैथु थक़िफ़तुमूहुम, जहां तुम उनको, उलाइकुम उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्ताना मुबीना, ऐसे लोगों के, उलाइकुम ऐसे लोगों के खिलाफ तुमको जालना, जालना हमने तुमको दिया है, अलैहिम सुल्तान मुबीना, तुम्हें खुला का खुला इख्तियार दिया, सुल्तान इख्तियार को कहेंगे, मुबीना खुले इख्तियार को, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुम्हें खुला इख्तियार दिया है कि तुम जो चाहो तुम करो, उनके साथ उनको कत्ल करो, उनको कैदी बनाओ, उनके साथ जो भी मामला करो। तो ये चार किस्म के मुनाफिकीन, इनका जिक्र इन आयात के अंदर आया। अहकाम सुल्तानी नंबर चार, यानी बादशाहों के लिए अहकाम का यहाँ पर बयान हो गया। तो ये चार चीजें हैं, इसका तर्जुमा थोड़ा सा हो सकता है मुगलक को, आप इसको समझिए, कोशिश कीजिए। अगला सबक हम इंशाल्लाह पीर के दिन पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।